हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे वेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले आईफोन 14 वर्सेस आईफोन एक्स का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारी फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक फ़ोन परचेस करना है स्पेशली कैमरे के लिए, तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है परचेस करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चले देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास iPhone 14 और iPhone X। तो गाइस, बात करते हैं पे iPhone X की। तो यहाँ पे आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं पे iPhone 14 की। तो यहाँ पे भी आपको सेम ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे आपको iPhone X के अंदर 7 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करते हैं iPhone 14 की, तो यहाँ पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से कौन सा कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चले देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। जो वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी आईफोन एक्स और इसी आईफोन 14 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फ़ोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और गाइस, आईफोन 14 के अंदर आप सिनेमेटिक मोड जो यूज़ कर पाओगे, यानी कि वो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि आईफोन एक्स के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। We'll be right back.
जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी आईफोन एक्स और इसी आईफोन 14 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट्स में ना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली आईफोन 14 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।